हे एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे वीएस कोड को रिसेट कैसे करें। सबसे पहले हम अपना वीएस कोड ओपन कर लेंगे, देन अपना ये फुल स्क्रीन हाफ स्क्रीन रख लीजिएगा। फिर सेटिंग सेटिंग पे जाके आपको क्लिक करनी है, ये नीचे सेटिंग की ऑप्शन दी गई रहती है, वहां से फिर एक सेटिंग का ऑप्शन होगा फर्स्ट से सेकंड, उस पर टिक करेंगे। सेटिंग पे टिक कर लेंगे अपना, देख कर खोज कर तो ये आपकी सेटिंग ऊपर रहेगी, मिल जाएगी, हो जाएगा टिक। एंड देन आपका ये जो जॉन्स वाला है इस पे ऊपर एक दिया है बटन, उसको दबाएंगे तो ये आपका खुल जाएगा। और उस पर ये जो आपके जितने भी हैं सब कुछ विंडो प्लस ए से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर विंडो प्लस एक्स से कट कर देंगे, उसके बाद इसको विंडो प्लस एस से सेव कर देंगे। तो विंडो प्लस एस से जैसे ही सेव करेंगे, देखिए आप मेरा कलर चेंज हो गया, यानी कि मेरी सेटिंग जो है वो चेंज हो गई है। एंड देन आप लोग देखोगे तो अब मैं इसको जो भी मेरा ये प्रोग्राम है उसको मैं रन कराऊं तो देखना आप लोग एरर आएगा, देखो वन एरर जनरेटेड होने लगा, क्योंकि वो एरर है, मेरी सेटिंग्स वो हो गई हैं। सो अगर आपको फिर से वो सेटिंग वापस लानी है तो आपको सेटिंग में जानी है, ऊपर में वही जॉन्स वगैरह आएगा उसको टिक करनी है, एंड वहाँ पे जाके आप कंट्रोल वी कर देंगे तो आपकी सेटिंग वापस आ जाएगी, मतलब विंडो वी। ओके, यहाँ पे सिस्टम कुछ अलग है, कमांड वी कहते हैं इसको वो, और इस वाले में से विंडो वी। सो इसको फिर आप सेव कर देंगे विंडो एस से, तो ये फिर से आपकी सेटिंग अलग हो जाएगी, आपकी कलर आ जाएगी। ठीक है गाइस, सो बढ़िया, आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी।